हेलो, हाउ यू ऑल? होप ऑल डूइंग वेल। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की बॉडी में बहुत से चेंजेस नज़र आते हैं, हर एक बॉडी पार्ट में चेंज नज़र आता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे फीमेल की जुबान में ऐसा क्या बदलाव, यानी ऐसा क्या चेंज नज़र आता है जिससे फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द कन्फर्म कर सकते हैं। एंड गाइज, ये बदलाव 95% वुमेन में देखा जाता है। ये बदलाव पीरियड मिस होने से पहले भी दिख सकता है, पीरियड मिस होने के बाद भी दिख सकता है, जिससे 101% आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द कंफर्म कर सकते हो। ये बदलाव फीमेल में तब नजर आता है जब फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है, उसके एक हफ्ते बाद से फीमेल की जुबान में ये बदलाव नजर आता है गाइस। क्योंकि गाइस, जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है, उन्हें बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है ये जानने की कि वो प्रेगनेंट है या नहीं है। तो इस सिम्टम के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द कंफर्म कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, फीमेल की पीरियड्स रेगुलर नहीं होती है, इररेगुलर होती है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि कैसे वो पता करें कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर इस तरीके का बदलाव, चाहे आपके पीरियड्स रेगुलर हो, इररेगुलर हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, अगर इस तरीके का बदलाव आपको अपनी ज़ुबान में दिखाई देता है, तो गाइस आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये बदलाव 95% वुमेन में दिखाई देता है। बहुत ही ऑथेंटिक सा बदलाव है जिससे फीमेल बहुत आसानी से अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती है। तो गाइस, वीडियो को ना लंबा करते हुए इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। जब फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है, तो वो मेनली फोकस करती है उन प्रेगनेंसी सिम्टम्स में जो आमतौर पर फीमेल में देखे जाते हैं, जैसे नौजिया की फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग, फूड क्रेविंग, मीठा खाने का मन करना, नमकीन खाने का मन करना, ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस, एब्डोमेन में हल्का सा पेन होना। इन सिम्टम्स में ज़्यादा फोकस करती हैं, जो कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी में नज़र आते हैं जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उन सिम्टम्स में फोकस नहीं कर पाती और अपनी प्रेगनेंसी का जल्द पता नहीं लगा पाती। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स है तो आपको मिस पीरियड के 10 दिन तक का वेट करना पड़ता है। अगर इररेगुलर है, इररेगुलर केस में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म करना, यही समझ नहीं आता कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। बट गाइज, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके रेगुलर पीरियड्स हो, इररेगुलर पीरियड्स हो, शॉर्ट साइकिल हो, लॉन्ग साइकिल, अगर इस तरीके का बदलाव आपको अपनी ज़ुबान में दिखाई देता है, तो आप 101% प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो। ये बदलाव आपको पीरियड में सोने से पहले भी दिखाई दे सकता है, पीरियड में सोने के बाद भी दिखाई दे सकता है। एंड जैसा कि मैंने बताया गाइस, ये बदलाव 95% वुमेन में दिखाई दे सकता है। 95% बहुत बड़ा रेंज है गाइस, 95% के अंदर ज़्यादातर फीमेल आ ही जाती हैं। तो आप सोच सकते होंगे, ये बदलाव ऑलमोस्ट ऑल वुमेन में देखा जाता है जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो गाइज, इसमें होता क्या है, जैसे ही फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो भी बदलाव फीमेल की बॉडी में आता है उसका मेन कारण यही होता है कि फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस एंड प्रेगनेंसी हार्मोन का इंक्रीज होना। तो इसी की वजह से फीमेल का जो जुबान है, इसमें जो भी फीमेल खाती हैं उसको मेटलिक सा टेस्ट लगता है, खाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि वो कॉइन चबा रही है या कोई मेटल चबा लिया है उन्हें, जिसकी वजह से ये टेस्ट उनकी जुबान पे आने लगा है। कुछ ना भी खाएं तो उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कॉइन चबानी है या कुछ मेटल उन्हें चबा लिया, इस तरीके का टेस्ट फीमेल को दिखाई देता है, जिससे फीमेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये टेस्ट का बदलाव फीमेल की बॉडी में इसलिए होता है गाइस, क्योंकि फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन में भी बदलाव आता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो टेस्ट के सेंस को बदलने में, एस्ट्रोजन हार्मोन में बदलाव आता है इसीलिए फीमेल का जो टेस्ट का सेंस होता है उसमें भी चेंज आने लगता है। काफ़ी फीमेल को ये टेस्ट मेटलिक लगता है, काफ़ी फीमेल्स को ये टेस्ट कड़वा भी लग सकता है, खट्टा भी लग सकता है। एंड इवन कई फीमेल्स को तो खाना खाने का ही मन नहीं करता है इस सिम्टम की वजह से। अगर ऐसा कोई सिम्टम आप देखते हैं तो गाइज, ये प्रेगनेंसी का ही साइन है, ये अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जो ज़्यादातर फीमेल में देखा जाता है, बहुत ही ऑथेंटिक साइन है जिससे बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को फीमेल कन्फर्म कर सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स को प्रेगनेंट होने पर भी खाना खाने का मन नहीं करता। अगर प्रेग्नेंट वुमेन खाना नहीं खाएगी तो वीक हो जाएगी, बच्चे को खाना कैसे मिलेगा। तो ये सिम्टम को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए गाइस, इस सिम्टम की वजह से काफ़ी फीमेल्स को जो चीज़ें पहले अच्छी नहीं लगती थी, अचानक से वो चीज़ें खाने का मन कर जाता है। जैसे मैं ही अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कभी करेला नहीं खाती थी, बट मुझे करेला खाने का इतना ज़्यादा मन करता था, मुझे करेला इतना अच्छा सब्जी लगता था बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि टेस्ट ही मुँह में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको जो
चीज़ें पहले बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था, अचानक से वो चीज़ें खाने का मन कर जाता है। और साथ में गाइज इसकी वजह से फीमेल की जो नॉजिया एंड वॉमिटिंग फीलिंग होती है वो भी ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें हर टाइम अपने मुँह पे मेटेलिक सा टेस्ट लगता है, कड़वा सा टेस्ट लगता है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टी करने का मन करता है या उल्टी सा फील होता है हर टाइम। तो ये सिम्टम भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ ये ज़ुबान के टेस्ट की वजह से, नॉजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग भी फीमेल की बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट इसे सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फीमेल मेटेलिक टेस्ट की वजह से खाना ही नहीं खाएगी तो फीमेल वीक हो जाएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है प्रेग्नेंट वूमेन के लिए, ना बच्चे के लिए ना मदर के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर ऐसा कुछ आपको फीलिंग हो रही है, अपना टेस्ट में सही तरीके का टेस्ट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपको पानी अच्छे अमाउंट में पीना है गाइस, और विटामिन सी का इंटेक करना है, जिसकी वजह से जो ज़ुबान का आपका टेस्ट चला गया है तो वो ज़ुबान का टेस्ट वापस आने लग जाएगा और आपको खाना खाने का मन करेगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो अगर ऐसी कुछ फीलिंग आपकी टेस्ट में होती है, ऐसा कुछ सिम्टम आपको दिखाई देता है, तो गाइस ये अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हो। और इसे सही कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है, तो इससे आपको राहत भी मिलेगी, खाना भी आप खाएंगे और अपनी प्रेगनेंसी भी एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।